नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बिना फोन नंबर के आप एंड्रॉयड फोन पे जीमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखते रहिए पूरा वीडियो। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर www.gmail.com टाइप कीजिए तो आपका पेज ऐसे आएगा। तो अगर आपने दूसरा अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है पहले, तो आप नीचे मैनेज अकाउंट्स करके एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको दिखाई देगा ऐड अकाउंट फॉर, ठीक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नया एक पेज आएगा, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होगा लॉगिन करने का और क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। और फिर जेंडर ये सब फिलअप कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम, नया यूजर नेम बना लीजिए कोई भी जो अवेलेबल होगा इस टाइप का। इसलिए मैं थोड़ा अनकॉमन टाइप का दे रहा हूँ यूजर नेम, ताकि वो मुझे अवेलेबल मिले। तो ऐसे मैं यूजर नेम एक दे रहा हूँ। नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड कोई भी दे दीजिए, मिनिमम यहाँ पे 8 डिजिट का होना चाहिए पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड फिर से दे दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वहाँ पे स्किप कर दीजिए। उसके बाद नीचे जाके मोर और लास्ट में आई एग्री करके ऑप्शन आएगा। आई एग्री में क्लिक करने के बाद हमारा ईमेल आईडी क्रिएट हो गया है। अभी नेक्स्ट में क्लिक करके ईमेल आईडी को लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे सेटअप पेमेंट इन्फो में नो थैंक्स में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। उसके बाद हमारा जो नया ईमेल आईडी है वो अभी खुल जाएगा। ठीक है, XYZABC ये तो ईमेल ये आईडी। देखिए, तो हम अभी इसमें हम लोग लॉग इन कर चुके हैं। तो इस तरह से आप जितना चाहे उतना जीमेल में ईमेल आईडी बना सकते हैं, और अपना बिना कोई फोन नंबर यूज किए हुए। ठीक है, थैंक यू।